भोपाल से खबर है जहां कोरोना से मौत का मामला सामने आया। कुछ सरकार ने फिर से जारी किया मौत का आंकड़ा। सार्थक पोर्टल पर 1478 अतिरिक्त मौत के आंकड़े जोड़े गए। नए आंकड़ों के बाद मौत का आंकड़ा आपको बता दें कि 10506 हुआ। पहले कोरोना से मौत का जो आंकड़ा था वो 9027 था। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर भी 1.33% हो गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सरकार ने, प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर भी 1.33% हो गई है। मौत के आंकड़े अब दोबारा से, यानी कि प्रदेश में मृत्यु दर भी 1.33% हो गई है। वहीं अब इस पर राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना से मौत का मामला सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से जो इससे पहले भी गर्माती हुई सियासत दिखाई दे रही थी, सार्थक पोर्टल पर अब दोबारा से आंकड़े जोड़े गए हैं। नए आंकड़ों के बाद मौत का आंकड़ा भी अब 10,000 के करीब देखा गया है। पहले कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 9027 था। कोरोना से मौत के जो मौत का आंकड़ा है वो भी निकलकर सामने आया है। सरकार ने फिर से मौत का आंकड़ा जारी कर दिया है। सार्थक पोर्टल पर 1478 अतिरिक्त मौत का आंकड़ा जोड़ा है। नए आंकड़ों के बाद मौत का आंकड़ा 10,506 हो गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सरकार ने एक बार फिर से मौत का आंकड़ा जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि कोरोना काल चला इससे पहले भी मौत के आंकड़ों में सियासत देखने को मिली थी। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर आवाज उठा रहा था और साथ ही साथ निशाना साधता हुआ भी दिखाई दे रहा था। वहीं एक बार फिर से निशाना साधता हुआ विपक्ष सरकार पर दिखाई देने लगा है। पहले कोरोना से मौत का आंकड़ा 9027 था और अब कोरोना से मौत का मामले में भी ये सियासत देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, मौत के आंकड़े अब एक बार फिर से सार्थक पोर्टल पर जोड़े गए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? मान के चले कि दोबारा से सियासत इस पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मौतों के आंकड़े को लेकर हंगामा होते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। दरअसल जो कल हेल्थ बुलेटिन आया है उसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 1400 से ज़्यादा जो है मौत के आंकड़े जोड़े जा रहे हैं। पहले जो था मध्य प्रदेश में 9000 के करीब मौतों का आंकड़ा था, वो अचानक से 10,500 के करीब पहुंच गया। और इसी को लेकर बीजेपी की, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर मौतों का आंकड़ा बड़ा कैसे है। हम पहले से सवाल उठा रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा लाखों की संख्या में और धीरे धीरे ये सामने आता जा रहा है। और सरकार भी हम मानने को तैयार है कि मौतें काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से भी तर्क दिया जा रहा है कि बैकलॉग यानी पुराने आंकड़े हैं, ये उस वक्त के आंकड़े हैं जब पीक समय चल रहा था कोरोना का, जब प्राइवेट अस्पतालों में कई मरीजों की मौत हुई थी कोरोना से पीड़ित थे, जिले में भी कई मरीजों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में जो है होम आइसोलेशन में मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन उसमें से कई लोगों की मौत भी हुई है। ये तमाम आंकड़े सरकार ने वहां से इकट्ठा करें और उसके बाद ये आंकड़े जारी किए गए। सरकार का यह भी कहना है अगर हमें मामले को, मौतों के आंकड़ों को छुपाना होता, जनता से छुपाना होता, तो हम मौत के आंकड़े जारी ही क्यों करते हैं। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है इस मुद्दे पर, तो आने वाले समय में और जिस तरीके से बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, चौतरफा हमला किया जा रहा है बीजेपी पर, सरकार पर, वो आने वाले समय में लग ये तय है कि मौतों के आंकड़े को लेकर सियासत और गर्माती भी नजर आएगी। क्योंकि हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे तौर पर सरकार पर कुछ दिन पहले हमला करा था कि मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार छुपा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, एक एक विधानसभा में डेढ़ दो दो हजार की मौत हुई है। इसी से उनका कहना था कि एक एक विधानसभा में एक एक हजार की भी मौत मान लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, तो यानी 230,000 लोगों की मौत हुई है। इसी आंकड़े को लेकर अब सरकार की तरफ, कांग्रेस की तरफ से ये तैयारी भी की जा रही है कि जी बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, अब तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।